सिविल पेंशनर सेवा समिति के बैनर तले रविवार को एक बैठक आहूत की गई। बैठक के दौरान समिति पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पचकुया स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित हुई बैठक के दौरान कई अहम निर्णय लिए गए। साथ ही साथ आगामी अक्टूबर माह में अधिवेशन के आयोजन की बात पर सभी ने सहमति दर्ज कराते हुए समिति के पत्र का मार्गदर्शिका का प्रकाशन किया जाएगा। सरकारी सेवाओं के बाद अपने कार्यों से सेवानिवृत्त हो जाने के बाद आने वाली समस्याओं के निवारण को लेकर रविवार को एक बैठक आहूत की गई। पचकुया स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित हुए बैठक के दौरान सिविल पेंशनर्स सेवा समिति से जुड़े तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने सभी सदस्यों से उनकी समस्याओं को लेकर वार्ता की। साथ ही इस मौके पर मौजूद रहे हरिदत्त शर्मा और रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर यादराम वर्मा ने मुख्य रूप से लोगों से उनकी समस्याओं को जाना और उनके निराकरण की बात कही। मैं यादराम सिंह वर्मा, रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर हूँ और ये राजकीय सिविल सेवा पेंशनर्स की एक समिति है जो पेंशनर के व्यापक कल्याण के विषय में प्रयास करती है। उनकी जिस राज्य के विभाग में जो समस्या होती है उसके समाधान के लिए कार्य करती है और विशेषकर जो पेंशन संबंधी समस्याएं हैं उनको सुलझाती है। आज हम अपने पेंशनर भाइयों की समस्या को लेकर के ये मीटिंग आयोजित कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी को बाद में जो समस्याएं आती हैं, मेडिकल क्लेम की समस्याएं आती हैं, वो समस्याएं ना आएँ और वो हमको अवगत कराएं। हम अधिकारी से संपर्क करके समिति के सारे पदाधिकारी उसका निवारण कराएं। सेवानिवृत्त हो जाने के बाद कर्मचारियों को विभिन्न क्षेत्रों में आने वाली समस्याओं के निराकरण की बात कहते हुए पदाधिकारियों ने साफ कहा कि यह समिति अपने पदाधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद आने वाली समस्या के निराकरण के लिए हमेशा ही उनके साथ खड़ी है। मून न्यूज़ के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।